मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आनंद सिद्धिस आपके सामने फिर प्रस्तुत हूँ कक्षा सात को लेकर के। जैसा कि मैं पढ़ाने जा रहा हूँ हिंदी व्याकरण, और हिंदी व्याकरण में जो पार्ट मैं पढ़ा रहा हूँ वो वचन है, और यह वचन का दूसरा भाग है। तो बच्चों, वचन का अर्थ हम लोगों ने जाना था। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि वचन का क्या अर्थ होता है? क्या अर्थ होता है? संख्या। वेरी गुड। वचन का अर्थ होता है संख्या। तो हम कह सकते हैं वचन की परिभाषा आप लोग पढ़ चुके हो, और वचन को दो भागों में बांटा गया है। हिंदी में वचन को दो भागों में बांटा गया है, पहला एक वचन और दूसरा बहुवचन। लेकिन संस्कृत में वचन को तीन भागों में बांटा गया है, कौन कौन? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो अभी हम लोगों ने एक वचन के बारे में भी परिभाषा जान चुके हैं, पहले भाग की वीडियो में आप देख सकते हो। बहुवचन की परिभाषा भी हम लोगों ने जान चुका है। तो अब उसके बाद हम आते हैं, आपने जब भी वचन बदलने के कुछ नियम भी आपको बताए गए थे, जैसे आग के स्थान पर ए लगाकर, जैसे चश्मा आ आया तो चश्मे, कमरा आ आया तो कमरे। उसी तरह आग को ए में बदलकर, जैसे पताका आ आया तो पताके, माता आया तो माताएं, उसी तरह काला कालाएं। अब हम आते हैं ई, या बड़ी ई को क्या करते हैं, छोटी ई में बदलकर यहाँ पे चंद्रबिंदु लगा देते हैं। यानी पहले बात यही है कि अगर बड़ी ई हो तो वो किस में बदल जाएगी? छोटी ई में। या अर्थात दीर्घ ई हो तो वो हर्षय में बदलकर यहाँ पर चंद्रबिंदु हम क्या करते हैं, लगा देते हैं। बड़ी ई को छोटी ई बदल करके यहाँ पर चंद्रबिंदु, या हर्षय दीर्घ ई है तो हर्षय में बदलकर यहाँ पर चंद्रबिंदु लगा देते हैं। अगर हर सही छोटी ई हो तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते, वो छोटी ई का छोटी ई ही लगता है, और सिर्फ यहाँ पे चंद्रबिंदु लगा देते। जैसे पत्ती पत्तिया, नदी नदिया, रीति रीति रीतिया। उसी तरह बहुत सारी किताबें दिए गए हैं। उसके बाद अ के स्थान पर ए या ए जोड़ करके हम बनाते हैं, जैसे कलम कलमे, आंख आके। उसके बाद हम लोगों ने देखा आ को आ में बदल करके, जैसे चिड़िया, सिर्फ चंद्रबिंदु लगा देते तो क्या हो जाएगा, चिड़िया। बंदरिया तो बंदरिया, चुड़िया की चुड़िया। ए जोड़कर स्त्रीलिंग शब्द बनाना, जैसे वस्तु वस्तुए, ऋतु ऋतुए, वधु वधुए। वर लोग जन गण लगा जोड़ करके हम लोग बनाते हैं, जैसे गुरु गुरुजन, पाठक पाठक, व छात्र छात्रगण, और बहुत सारे शब्द आप पढ़ चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे अब तक हमने क्या सीखा। अब हम आते हैं अब तक हमने क्या सीखा इस पाठ में। हमने सीखा अब तक हमने सीखा ये पार्ट में आप देख सकते हो पेज नंबर 46 में। तो कुछ शब्द सदा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, और कुछ शब्द ऐसे हैं जो सदा बहुवचन में प्रयुक्त भी होते हैं। पहला एक वचन के लिए देख ले, धरती आकाश आग पानी। और बहुवचन में जो शब्द प्रयोग होते हैं, जैसे आंसू हस्ताक्षर बाल होश प्राण इत्यादि। समूहवाची अर्थात समूह में शब्द भी प्राय एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। तीसरा जो है, कुछ शब्दों के वचन की पहचान वाक्य के आधार पर होती है, यानी वाक्य जिस तरीके से होगी उससे मालूम चल जाता है कि वो शब्द बहुवचन में है या एक वचन में है। चौथा जो है, एक शब्द एक से अधिक रूपों में वचन विशेष में प्रयुक्त हो जाते हैं, जैसे हाथी आ रहे हैं, करता हाथियों को भोजन दे दो कर। अब हम आते हैं अभ्यास की ओर। अभ्यास जो सबसे महत्वपूर्ण है आपके लिए, और आप जो परीक्षा में लिखोगे उसके अनुसार। तो सर्वप्रथम है वचन की परिभाषा उदाहरण सहित लिखेंगे। तो सबसे पहले आप वचन की परिभाषा लिखोगे, लेकिन वचन की परिभाषा में उसके अर्थ को भी शामिल करोगे कि वचन का शाब्दिक अर्थ होता है संख्या। तब उसके बाद उसकी परिभाषा आप किताब में से देख करके लिख सकते हो, और उसके बाद आप एक वचन द्विवचन का भी, एक वचन और बहुवचन का भी परिभाषा लिखोगे। ख, ऐसे पांच शब्द लिखिए जो अधिकतर शब्द बहुवचन में
ही प्रयोग होते हैं। किताब के पीछे दिया गया है, आप देखोगे जैसे आंसु, हस्ताक्षर, प्राण, बाल, कोष, यही पांच आप लिख लोगे। और ग प्रश्न है आदरार्थ, आदरार्थ कैसे बना हुआ है, आप देखो आदर जोड़ और से मिल करके क्या बना हुआ आदरार्थ, आदरार्थ ये हो गया, यानी इसका और जोड़ और मिल करके क्या बन जाता है आ बन जाता है, यानी आकार की मात्रा जो है अंग्रेजी के टी लेटर के समान होती है, तो वही आ यहां पर, इसीलिए इसको बोला गया आदरार्थ, यानी आदर प्रकट करने के लिए। तो प्रश्न है कि आदरार्थ बहुवचन से क्या अभिप्राय है, आप लिखोगे कि आदरार्थ बहुवचन से यही अभिप्राय है कि आदर एवं सम्मान देने के लिए, आदर एवं सम्मान देने के लिए हम एक वचन को बहुवचन रूप में क्या करते हैं प्रकट करते या लिखते हैं। उसका आप कोई उदाहरण दे दोगे, जैसे पिताजी आते हैं, पिताजी तो एक ही है आपके, तो पिताजी पिताजी आता है नहीं बोल करके हम क्या करते हैं पिताजी आते हैं, अर्थात एक वचन को बहुवचन में हम लोग प्रयोग करते हैं आदर प्रकट करते हैं। रंगीन शब्दों के वचन बदल कर रिक्त स्थानों को बदल, अब हम आएंगे रिक्त स्थान, स्थान भरे, बच्चे ध्यान देंगे कि इसमें जो है आधा मैं समझाऊंगा और आधा खुद से आप लिख सकते हो, क्योंकि बहुत ही आसान चैप्टर है, आसान प्रश्न उत्तर है, तो हर एक चीजों में हर एक प्रश्न में मैं आधा समझाऊंगा आधा आप खुद से करोगे। पहला प्रश्न है नीतू ने जब एक डैश खींची तो सारी रस्सियां खुद खींच गई, तो यहां पर देखेंगे कि जो रस्सियां जो है वो ग्रीन कलर से लिखा हुआ है, हरे कलर से, तो जो हरे कलर से जो लिखा हुआ है अगर वो बहुवचन में है तो उसको एक वचन में बदलेंगे, अगर वो एक वचन में है तो उसे बहुवचन में बदलेंगे। तो नीतू ने एक जब एक रस्सी खींची तो रस्सी लिखेंगे, रस्सी खींची तो सारी रस्सियां खुद खींच गई, मेरी एक पतंग से ही सबकी डैश कट गई, यानी पतंग जो है एक वचन में है तो क्या हो जाएगा पतंगे, कुएं पर अनेक डैश थे पर भरा हुआ घड़ा एक ही था, तो घड़ा एक वचन में है तो उसको क्या लिखेंगे घड़े। एक और मैं बताता हूं, चार रास्ते देखकर हरी समझ नहीं पाया कि कौन सा डैश सही है, तो रास्ते जो है बहुवचन में है तो क्या लिखेंगे रास्ता खाली जगह में। अब हम आते हैं वचन संबंधी अशुद्धियां दूर करके दोबारा लिखो, तीसरा जो है वचन संबंधी अशुद्धियां, वचन संबंधी अशुद्धियां इसे आप कर लोगे लिखोगे, जैसे छुट्टियां में हम दादा के घर जाएगा, गलती लिखा हुआ है उसको सही ढंग से लिखोगे, छुट्टी में हम दादा दादी के घर जाएंगे, जनताएं अपना प्रतिनिधि खुद चुनेगी चुनती है, तो क्या लिखेंगे जनता अपना प्रतिनिधि खुद चुनते हैं। उसके बाद आकाशों में तारा चमक रहे हैं, तो आकाश में तारा चमक रहा है आप लिखोगे, उसके बाद जो भी है आप बना सकते हो। चौथा प्रश्न है शब्दों के वचन बदल कर लिखो, वचन बदल कर लिखिए। मैंने जैसा कि बताया कि अगर एक वचन में है तो बहुवचन में बनाएंगे, बहुवचन में तो एक वचन में एक एक से एक, आप देखोगे इस तरफ से मैं बता रहा हूं, बगल वाले आप खुद देखोगे, जैसे आंख आंखें, कमरा कमरे, कहानी कहानियां, नाटक नाटके, सब्जी सब्जियां। उसके बाद खाली स्थान आप देखोगे कि बहुवचन पहचान कर लिखिए, आप तो आप लोग, नदी नदियां, छात्र छात्रगण, आंसू आंसू ही होता है क्योंकि आंसू खुद अपने आप में एक बहुवचन है ना, तो आंसू का आंसू ही लिखेंगे, बा बाहें। बहुविकल्पीय प्रश्न, बच्चों कभी कभी क्या होता है कि इसमें से भी आपके परीक्षा में लिए जाते हैं और कुछ किताब के बीच से भी लिए जाते हैं, तो देखेंगे कौन सा शब्द रूप
बहुवचन में है जनता, ओस, चूहिया, बाघ। यानी यहाँ पे प्रश्न एक बार फिर से मैं बोलता हूँ, कौन सा शब्द रूप बहुवचन में नहीं है? तो चूहिया। किस वाक्यांश में शब्द है तो एक वचन में परंतु लगता है बहुवचन में? पत्ते पर लिखा, यही आपका सही होगा। सदा एक वचन में प्रयोग होने वाला शब्द है आपको पानी, यह हमेशा सदा एक वचन में ही प्रयोग किया जाता है। बहुवचन में प्रयोग होने वाला आदर सूचक शब्द है वह है हम यहाँ पर। तो बच्चों आज जितना ही प्रश्न आपकी किताब में दिए गए हैं उस प्रश्न को बना लोगे, भर लोगे, किताब में भी फिलअप कर लोगे, है ना, और इसे अच्छे ढंग से अपनी कॉपी को तैयार करोगे। बच्चों आज के लिए इतना, तब तक के लिए धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।